हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए- हाल। मैं हूं जिसका मेजबान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज की नशिस्त में हमारे साथ हमारे मेहमान, बहुत ही खास मेहमान, कराची की सियासत के दो अहम तरीन किरदार मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, और हमारे साथ लाइन पे होंगे मोहतरम जनाब मुस्तफा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया भाई। फारूक भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए। जुनैद भाई, इनका किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये तो घर में फारग ही बैठे हुए थे। इन्होंने तो अल्लाह का शुक्र किया होगा कि आपका फूम गया है। अब तो मैंने सुना ही अपने फूम के साथ लड़ते रहते हैं, हमें बिल्कुल ही गूंगा हो गया है। कोई जुबान काट के ले गया तुम्हारी, और कुछ नहीं थे टसोरी भाई की तो घंटी बजा। इन्होंने तो पिछले दो महीने से मोबाइल का बिल इसलिए नहीं दिया कि चलो बिल वालों का फोन आता है तो कुछ तो दिल लगता है। जी हाँ, हमें किसी का फोन नहीं आ रहा, बिल्कुल फारिग हैं हम। और ये मासूफ, जब मुराद अली शाह साहब दफ्तर से बाहर निकलकर जाते हैं, ये उनकी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और जब वो दफ्तर वापस आते हैं, ये कुर्सी से उठकर सड़कों का मुआयना करने चले जाते हैं। बहुत मसरूफ है ये। देखिए फारूक भाई को गुस्सा करने वाली बात नहीं है, अल्लाह का फजल है, दो साल हुए हैं हमारी पार्टी को बने हुए। दूसरा यौम तासीस मनाया हमने, और अल्लाह के फजल से दो साल के अंदर अंदर कराची में बिल्कुल अमन पैदा हो गया। एक मिनट जरा, ये कराची में अमन पैदा करने के वाले से आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? वो तो रेंजर्स ने किए। देखे जुनैद भाई, जब कराची में रेंजर वाले अमन पैदा कर रहे थे तो हम उसके पास खड़े थे। हाँ, कई लड़कों की तरफ मैंने खुद इशारा किया था, भाई इसे ही पकड़ लो। देखो ये तो मिलकर ही काम होता है, जहां भी होता है अच्छाई जब पैदा होती है तो वो मिलकर ही होती है। तो हमने अल्लाह के फजल से कराची में अमन पैदा कर दिया और उसकी रौनक वापस ले आया, लौटा दिया रौनक कराची की हमने। अच्छा, ये फरमाइए, ये जो एमकेएम के दो धड़ों के दरमियान रस्साकशी है, इसमें आप लोगों की स्ट्रेटेजी कोई वाजे तौर पे नजर नहीं आ रही? जो कहो किस तरफ है, आपका नजरिया क्या है, असूल क्या है? नजर तो तब आए ना जब आप लोग इनसे फारिग हो तो। ये मीडिया वाले तो इनके पीछे पड़े हुए हैं भाई, इनकी लड़ाई से क्या निकलाना है या क्या बेहतरी आएगी, ये तो आपस में अब यही करेंगे, गुत्थम गुत्था ही होंगे। क्योंकि इनको ना कोई लेना देना है आवाम से और ना ही कराची के लोगों से। और कराची में जो अमन पैदा कर रही है पार्टी, वो एक ही पार्टी है जिसका नाम PSP है। और जुनैद भाई, आपने देखा कि किस तरह कराची में सफाई होनी शुरू हो गई है और किस तरह रोशनियां दोबारा वो PSP की वजह से नहीं, PSL की वजह से आ रही है। मैं एक मिनट देखे एक मिनट ठहरे भाई, मुझे बात का जवाब देने दे। देखे जुनैद भाई, PSP हो या PSL हो, ये सिर्फ आखिरी अल्फाबेट का फर्क है ना। उनके साथ L लग रहा है और हमारे साथ P लग रहा है, तो PS तक तो हम दोनों एक ही हैं। क्या बात कर रहे हैं हजूर वाला, PSL को लाखों लोगों ने पसीराई बख्शी है, PSP के जलसे में अभी तक 2500 से ज्यादा लोग नहीं जमा हुए। देखिए एक मिनट, मैं यहाँ आपको देखे, बात आपकी सर आंखों पे, मगर ज्यादती ना कीजिए जुनैद भाई। आपने देखी नहीं है हमारे आवाम जिस तरह इकट्ठी होती है हमारी एक आवाज से, पूरा कराची इकट्ठा हो चुका है PSP के झंडे के तले। कहाँ झंडा है और कहाँ लोग जमा हुए हैं, हमें भी जरा दिखाएं प्लीज। हमने खुद अल्लाह के फजल से जहाँ भी लोग इकट्ठे हुए हैं, हमने जाके बीच में अपना झंडा लगा दिया। आप उस वक्त कैमरा लेके आए ना जब हम अपना बीच में झंडा लगा देते। आप पहले ही आगे अगर रश एक्सपोज करके चले जाएं आपके कैमरे वाले, तो हम तो कसूरवार नहीं है ना। हमने तो PSL को कामयाब बनाने के लिए भी पूरी कोशिश की है। हाँ, हमने सुना था आप 1000 रुपए का टिकट खरीद के जाएंगे। वो क्रिकेट देखने का कोई शौक नहीं है जुनैद भाई, ना ही कभी आपने मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा है। मैंने सिर्फ इसलिए 1000 रुपए का टिकट खरीदा क्रिकेट का कि मैं स्टेडियम में जाऊंगा तो वहां लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो स्टेडियम के दरमियान अपना झंडा लगा लूंगा।
ये वहां पे तो रेंजर वाले भी आए हुए थे, इसलिए वो झंडा वहां नहीं लग सका। फिर मैं वापस आते हुए रेंजर के एक जवान को झंडा पकड़ा आया था, मैंने कहा भाई मौका मिले तो ये लगा देना। अच्छा मैं रुकूं, पीएसएल का फाइनल देखने के लिए आप क्यों नहीं गए यार? हम आवाम के काम यार। भाई मुझे नहीं मालूम कि ये क्या जवाब देंगे, मगर मैं आपको अंदर की बात बता दूं। ये फारूक भाई सिर्फ इसलिए वो पीएसएल का मैच देखने के लिए नहीं गए कि वहां वो क्रिकेट बोर्ड वालों ने स्टेडियम के अंदर चिप्स और दाल बेचने पे पाबंदी लगाई हुई। तो ये फारूक भाई स्टेडियम में दाल के चिप्स खाने के लिए जाते हैं? खाने के लिए नहीं जुनेद भाई, बेचने के लिए बात। नो नेवर, ये बोहतान है, इल्जाम है। यकीन जानिए, दाल बेचने के लिए जो मतलूबा आवाज होती है, डाले करारी डाले मिसाले डाले, ये हमसे नहीं निकलती तो हम दाल कैसे बेचेंगे? डॉक्टर साहब, ये आपने दाल बेचने की आवाज निकाल ली है, और कोई केएफसी का बाबा नहीं है आवाज देता? अरे भाई ये अभी फारूक भाई बुखला चुके हैं, इनको नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ, क्या करने जा रहे हैं, इसलिए ये घबराए हुए ऐसी बातें कर रहे हैं। वरना यकीन जानिए, ये अब सियासत नहीं करते, अब ये दाल ही बेच रहे हैं। अच्छा बुजो भाई, आप कराची की आवाम की मोहब्बत के इतने मजबूत दावेदार हैं, तो फिर आगे बढ़ के आप एमक्यूएम को और खास तौर पे फारूक सत्तार भाई को गले क्यों नहीं लगा लेते? देखे जुनेद भाई, हमने तो इनको कई दफा ऑफर की है गले लगने की, मगर ये है कि ये हमारे घुटनों से लग के चले जाते हैं। क्या मतलब? ये हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाते हैं, ये हमारी टांग खींचनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, मेरे को शायद आपका इशारा इनके छोटे कद की तरफ है। नहीं नहीं, अगर मैं कद की तरफ इशारा करता तो घुटना ना कहता, टखना कहता। मुस्तफा भाई, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अबे बस कर, तू क्या बात आगे बढ़ाएगा? वो आगे मुझे घुटने से टखने तक तो ले आए हैं, अब क्या जमीन में दफन करवा के छोड़ेगा? बात क्या आगे बढ़ानी है, बात तो अल्लाह के फल से हम ही आगे बढ़ाएंगे। ये कराची की आवाम का एहसास जुनेद भाई, ये सिर्फ पीएसपी के अंदर मौजूद। अच्छा बुजो भाई, आपका अगले रोज में बयान पढ़ रहा था कि अगला चीफ मिनिस्टर सिंध आप लाएंगे, 2018 का इलेक्शन स्वीप कर देंगे। सुनने में तो बात ठीक लगती है, मुमकिन कैसे होगा? देखिए जुनेद भाई, हम इंशाल्लाह अभी सब कुछ देख रहे हैं। ये जो इन्होंने मर्दमशुमारी की है, इसमें इन्होंने कम से कम 70-80 लाख आबादी कराची की गायब कर दी है। हम तो इस बात में वाजिद हैं कि भाई ये जो आपने आबादी 80 लाख कम कर दी है कराची की, वो क्या दरख्तों के साथ लटके हुए थे? अच्छा, वो आपको क्यों नहीं नजर आए? आपने वो क्यों नहीं दर्ज किए? उनका अंदराज क्यों नहीं हुआ? और ये सिर्फ इन्होंने हमारे लिए किया, हुक्मरानों ने सिर्फ पीएसपी को दबाने के लिए, चूंकि वो जो 80 लाख इन्होंने दर्ज नहीं किए, वो 80 का 80 लाख पीएसपी का कारकुन था। 80 लाख? हाँ, ये आपने ज्यादा बढ़ाया, बहुत अच्छा किया, अच्छा किया आपने। वो इंशाल्लाह जब वो दोबारा वो वापस अंदराज हो गया उसका मर्दमशुमारी का, तो ऑब्वियसली वो जो वजीर आला है वो इस दफा फिर पीएसपी का ही बने। तो आप खुद बनेंगे? नहीं नहीं, ये मुझे कोई इख्तदार की जरूरत नहीं है। मैं जुनैद भाई, अल्लाह के फजल से मैंने सिर्फ आवाम की खिदमत करनी है, मुझे कोई ये वजारत आला का या वजारत उज़्मा का शौक नहीं है। मगर पीएसपी के पास चूंकि मेरे अलावा कोई और बंदा नहीं, इसलिए मुझे बनना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाए, जो कराची की सियासत का हम मंजरनामा देख रहे हैं, तो आने वाले इलेक्शंस में तो आप लोगों का हिस्सा लेना बहुत मुश्किल नजर आएगा, क्या बनेगा आगे? क्या बात कर रहे हैं जुनेद सलीम साहब, आप रिवाइंड करके सुन लें। आजकल फारूक भाई को इतनी जल्दी बात की समझ नहीं आती। नहीं बताया ना, कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? देखें, आवाम की खिदमत और सियासत हमारी रगों में शामिल है, हमारे खून के एक कतरे में शामिल है। अब साहब लगा दीजिए कितनी कोई शामिल होगी, चूंकि 2-3 कतरे ही तो होने अपने। शायर ने क्या खूब कहा है कि हादसे की जद में है तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजले के खौफ से
کیا گھر بنانا چھوڑ دیں؟ چاہتے ہیں اگر عزت دوبارہ تو لندن کال ملانا چھوڑ دیں۔ کیا بات ہے مصطفیٰ بھائی، کیا بات ہے؟ ارے جب ہم نے شیر پڑھا تھا تو کیا منہ میں گٹکا رکھا ہوا تھا؟ اس وقت وارے واہ وارے واہ نہیں نکلیا۔ فاروق بھائی آپ کو واہ واہ اس لیے نہیں اب کوئی کہتا کہ آپ ابھی تک دوسروں کے شیر پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اپنا مصرعہ کہنا شروع کر دیا ہوا۔ حضور آپ لوگ آپس میں ہی گتم گتا ہیں، کراچی کے عوام کا کچھ سوچے خدا کے لیے۔ جنید بھائی انہوں نے کیا سوچنا ہے، انشاءاللہ پی ایس پی والے ہی کراچی کے مسائل کو حل کریں گے۔ یہ جو موجودہ حکمران ہے آپ دیکھ لیں انہوں نے بھی کیا کام کیا، 0/0۔ یہ تو آج تک وہ گندا لانا علی صاحب کروا سکے جو کراچی والوں کے جگر چیر کے گزرتا ہے، وہ گندا نالا، وہ جو گجر نالا جسے کہتے ہیں، اور عوام کئی سالوں سے چیخ رہی ہے وے گجرا وے وے گجرا وے، تیرے باجو دنیا اداس لگتی، کلی ہو آنکھ نہیں ہوں یار لگتی۔ تو کیا کہتے جا رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا جنید بھائی، یہ کراچی کی عوام کہہ رہی ہے۔ جنید بھائی مہاجروں نے اپنی وراثت دے کے ان کو وارث بنایا ہے، مہاجروں نے ان کو ایم این اے ایم پی ایس بنایا ہے، اور انہوں نے صرف شادی حالز بنائے ہیں، اور انہوں نے بیرون ممالک جائیدادیں بنائی ہیں۔ یہ انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی، پی ایس پی کی جب حکومت آئے گی، تو پھر گجروں کے مسائل حل ہوں گے۔ گجروں کے میرا مطلب ہے کہ گجر نالے کے مسائل حل ہوں گے۔ اچھا مصطفیٰ کمال بھائی، ہاتھ کنگن کو آر سی کیا؟ آج آپ دونوں بڑے کراچی کے لیڈر ہمارے شو میں تشریف رکھتے ہیں، تو کراچی کے عوام کے مسائل کی حل کی طرف آپ پہلا قدم اٹھائیں، ایک دوسرے سے کشادہ دلی کے ساتھ آپ بغلگیر ہو جائیں۔ بالکل جنید بھائی آپ نے تھوڑی بات غلط کی ہے، آپ نے کہا کہ آپ دونوں کراچی کے بڑے لیڈر، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو تو آپ کوئی فون نہیں کرتا، بڑے لیڈر یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ آپ کراچی کے بڑے لیڈر ہیں مصطفیٰ بھائی، تو یہ اگر چھوٹوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو ان کو معاف کر کے گلے لگاؤ، غور کر سکتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ دونوں بڑے لیڈر تو پھر میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ کی انگلی پکڑ کے فاروق ستار بھائی نے آپ کو سیاست کی راہ گزر پر چلنا سکھایا۔ ارے بھائی میری کہاں پہ انگلی انہوں نے پکڑنی تھی، یہ تو آج تک خود کسی کی انگلی پکڑ کے سڑک کراس کرتے، یہ تو اکیلے جا رہے ہو تو محلے کی عورتیں کہنا شروع ہو جاتی ہیں یہ بچہ کس کا باہر آیا ہوا۔ مصطفیٰ کمال بھائی آپ ادرائے مذاق جو مرضی کہتے جائیں، بہرحال یہ حقیقت ہے کہ فاروق ستار صاحب کا آج بھی ایک نام ہے۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے جنید بھائی، ایک ہی نام ہوتا ہے، ظاہر ہے کو میرے کو چار نام تو نہیں ہے نا، شناختی کارڈ نمبر ایک مصطفیٰ کمال، شناختی کارڈ نمبر دو کمال پاشا، شناختی کارڈ نمبر تین محمد کمال، ظاہر ہے سب کا ایک نام ہوتا ہے، ان کا ایک نام ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ ایک کام بھی تو ان کا بتائیں جو ایک کام انہوں نے کیا ہو، ماں سوائے لوگوں کو ڈرانے کے انہوں نے اور کیا کیا؟ تو تم بھی تو ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے، تم کون سا کیماڑی میں سر بچھا کے لوگوں کی مالش کیا کرتے تھے؟ یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Oh,